मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाद कारखाने की लागत करीब 8000 करोड़ रुपए है। गोरखपुर के लिए यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा निवेश है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड द्वारा स्थापित यह खाद कारखाना किसानों और नौजवानों के लिए बड़ी सौगात है। इस खाद कारखाने में कुछ स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोले जाएंगे। इस सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त कर नौजवान रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016 में इस खाद कारखाने का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और शीघ्र ही उनके ही हाथों इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सीएम योगी गुरुवार को हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के खाद कारखाने का केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के साथ निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 8000 करोड़ रुपए की लागत से खाद कारखाने के रूप में गोरखपुर में बड़े निवेश से प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 26 साल से बंद खाद कारखाने की जगह नया प्लांट लग सकेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि से यह संभव हुआ है। किसानों को समय से खाद व रसायन की आपूर्ति में यह खाद कारखाना मील का पत्थर बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि खाद कारखाने से गोरखपुर की स्मृतियां फिर ताजा हो गई हैं। 1967 से 68 में जापान की टोयो कंपनी ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए यहां बहुत अच्छा प्लांट लगाया था। यहां बनी यूरिया यूपी, बिहार और बंगाल तक के किसानों के बीच लोकप्रिय थी। प्रसन्नता की बात यह है कि आज वही टोयो कंपनी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के लिए प्लांट लगाई है। सीएम योगी ने कहा कि कृषि क्षेत्र की प्रगति व किसानों को समय से खाद रसायन की आपूर्ति व अन्य सुविधाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते नियमित सुनिश्चित हो रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोविड काल में भी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में खाद रसायन की आपूर्ति बाधित नहीं हुई। यह सप्लाई चेन पीएम मोदी के मार्गदर्शन से ही संभव हो सका। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सप्लाई चेन बाधित न होना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद कारखाने के समयबद्ध कार्य निर्माण में राज्य सरकार ने स्तर पर सहयोग किया है। मार्च 2017 में कार्यकाल के पहले ही दिन से यह सुनिश्चित किया गया कि विकास योजनाओं में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। सीएम योगी ने केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा का गोरखपुर की जनता व किसानों की तरफ से स्वागत करते हुए बताया कि श्री गौड़ा ने इस खाद कारखाने की समयबद्ध क्रियाशीलता के लिए व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर नियमित 15 दिनों पर समीक्षा का क्रम बनाए रखा। उन्होंने कहा कि इस समय कार्य करने का अनुकूल वातावरण है। समय से पहले प्लांट तैयार कर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा ताकि शीघ्र ही पीएम मोदी इसे राष्ट्र को समर्पित कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर नित विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। खाद कारखाने के अलावा एक और बड़े निवेश के रूप में जल्द ही एम्स भी अपनी पूरी क्षमता से लोगों की सेवा करने लगेगा। सीएम योगी खाद कारखाने का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि चिलुआ ताल के विशाल जलराशि को खाद कारखाने व यहां बसने वाली टाउनशिप के इस्तेमाल के बाद शेष जल को स्वच्छ कर शुद्ध पेयजल बनाया जाएगा। इसकी आपूर्ति जल जीवन मिशन के हर घर नल से जल योजना के तहत शहर के लोगों को आपूर्ति की जाएगी। सीएम ने कहा कि चिलुआ ताल वाटर बॉडी सरफेस वाटर की बड़ी आपूर्ति का स्रोत बनेगा। इस ताल से खाद कारखाने को पानी की आपूर्ति होगी। यहाँ खाद कारखाने की टाउनशिप में भी यहाँ से पानी मिलेगा। सरप्लस पानी को शुद्ध कर जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित रहा है। 1977 से 2016 तक प्रतिवर्ष यहां 1200 से 1500 बच्चे अकेले मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ देते थे। इतनी ही मौतों की संख्या घरों व गांवों में होती थी। 2017 से राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को नोडल बनाकर समन्वित प्रयास से इस बीमारी पर काबू पाया। इंसेफ्लाइटिस पर नकेल के लिए हर घर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय देकर खुले में शौच को रोका गया। साथ ही शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। आज इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या में 75% और इससे होने वाली मौतों की संख्या में 95% की कमी आई है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल, राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त सचिव धर्मपाल, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के प्रबंध निदेशक अरुण कुमार गुप्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रारंभ करें।
आज यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार के उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री डीबी सदानंद गौड़ा जी गोरखपुर में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के इस प्लांट के निरीक्षण के लिए आए हैं। स्वाभाविक रूप से 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक प्लांट के निरीक्षण की वजह से उत्तर प्रदेश में इतने बड़े निवेश और फिर गोरखपुर में हो रहे इस निवेश के ही इस निरीक्षण कार्यक्रम में मैं भी विशेष रूप से यहां पर आया हूं। मैं सबसे पहले प्रदेश की जनता की ओर से, यहां के किसानों की ओर से माननीय श्री डीबी सदानंद गौड़ा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 वर्ष पूर्व बंद हो चुके इस खाद कारखाने को 2016 में शिलान्यास करके आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया था, जिसमें देश के किसानों को समय से उर्वरक और रसायन की आपूर्ति की जा सके। इसके लिए हमें कहीं और किसी अन्य देश में निर्भर न रहना पड़े, बल्कि भारत के अंदर ही ये क्षमता विकसित हो, और आज इसका परिणाम है कि चाहे गोरखपुर हो, रामागुंडम है, सिंदरी है, बरौनी है, ये सभी प्लांट कार्य निर्माण कार्य इनमें तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। हम सब ये भी जानते हैं कि विगत एक वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया COVID-19 की महामारी से जूझ रहा है। COVID-19 की महामारी के बावजूद गोरखपुर के HURL प्लांट के निर्माण की जो प्रोग्रेस है वह बहुत संतोषजनक है। अभी इसी सब कार्यों का हम लोगों ने मौके पे जाके भी निरीक्षण किया है, भौतिक सत्यापन भी किया है, और फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो यहाँ पर HURL से जुड़े हुए जो कंपनियाँ हैं उन लोगों ने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन भी किया है। देखिए गोरखपुर की स्मृतियाँ एक बार फिर से ताज़ा होती हैं, जब 1967-68 में गोरखपुर में जापान की टोयो कंपनी ने एक फर्टिलाइजर कारखाना फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत लगाया था, और हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए कि इस समय जो मुख्य यहाँ पर कार्य करने वाली संस्था है वह वही टोयो कंपनी है जिसने 1967-68 में गोरखपुर में फर्टिलाइजर का प्लांट लगाया था। हम सब जानते हैं बहुत अच्छा प्लांट था, और उसकी जो फर्टिलाइजर थी ईस्टर्न यूपी नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों में बहुत लोकप्रिय थी। आज वही कंपनी गोरखपुर में इस HURL के प्लांट को लगा रही है। ये प्रोग्रेस इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लक्ष्य दिए गए हैं उनकी दूरदर्शिता के कारण आत्मनिर्भर भारत के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी किसानों को भी हम अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करा सकें, यह उस दिशा में किया जा रहे एक प्रयास का परिणाम है।
लेकिन साथ साथ इसमें विशेष रुचि ली है हमारे उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी ने। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि वह स्वयं हर 15 दिन में इन निर्माणाधीन फर्टिलाइजर प्लांट की स्वयं समीक्षा करते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा इस बात को लेकर के कि कोविड-19 की त्रासदी के दौरान भी किसानों को फर्टिलाइजर और केमिकल की किसी भी प्रकार की आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया, और जिसका परिणाम था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यहां के किसानों को समय पर उर्वरक और रसायन की आपूर्ति करने में हम लोगों को न केवल उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त हुई बल्कि देश के अंदर अन्य किसानों को भी कहीं भी इसकी परेशानी नहीं हुई। यानी सप्लाई चेन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रेल मंत्रालय के सहयोग से उर्वरक और रसायन मंत्रालय ने जिस तेजी के साथ उस दौरान भी खेती किसानी के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी थी वो अपने आप में उपलब्धि से कम नहीं, और आज वे स्वयं इस फर्टिलाइजर प्लांट के यहाँ पे निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ आए हैं। प्रोग्रेस कोविड-19 के बावजूद संतोषजनक है और मुझे विश्वास है कि यह प्लांट समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। मैंने राज्य सरकार की ओर से पूरा आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी राज्य सरकार पहले दिन से, जब से मार्च 2017 में हम लोग आए हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई है, हम लोगों ने पहले दिन से ही स्थानीय प्रशासन से भी और शासन स्तर पर भी इस बात को तय किया है कि कहीं भी किसी भी केंद्र से जुड़ी भी योजना जो प्रदेश के विकास के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और उसी सकारात्मक भाव के साथ सरकार कार्य कर रही है। यहां पर एक फर्टिलाइजर कारखाना लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत से तो एक प्लांट यहां पर स्थापित हो रहा है। अनुमान करिए जी, इतना बड़ा प्लांट लगना, इतना बड़ा निवेश, एक तो ये गोरखपुर में एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से यहां पर स्थापित होने जा रहा है। हमारा जो है यहां पर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है बहुत अच्छे ढंग से, उसकी प्रोग्रेस के बारे में अभी माननीय उर्वरक और रसायन मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे ही, लेकिन यह एक उपलब्धि है। 1990 में जो कारखाना बंद हो गया था जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण 2016 में उसका शिलान्यास होता है, और उसके बाद इसमें कार्य 17 के बाद इसमें कार्य प्रारंभ हुआ। राज्य सरकार ने एक सकारात्मक रुख इसके लिए अपनाया है, और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार के स्तर पर हर प्रकार का सहयोग और समर्थन इस प्रकार के कार्यों की दिशा से उपलब्ध होता रहेगा। हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र यहां पर यह कारखाना स्थापित हो, और इस कारखाने के स्थापित होने के साथ ही यहां के किसानों और यहां के नौजवानों के लिए भी, किसानों के लिए खेती के लिए समय से उर्वरक और रसायन उपलब्ध होना, नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर यहां पे स्थापित होंगे जिनकी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से फर्टिलाइजर प्लांट में या अन्यत्र उनको सेवायोजन का अवसर भी प्राप्त हो सके, इस पर भी नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। चिल्वाताल को वाटर बॉडी के रूप में यहाँ की प्लांट के साथ साथ यहाँ पे जो टाउनशिप बनेगी उसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, और हम लोग ये भी देखेंगे कि अब हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। जल जीवन मिशन में जो बहुत बड़ा कार्य हुआ है जिसमें प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी है, इस हर घर नल की योजना के लिए हमारे पास सरफेस वाटर की इतनी बड़ी आपूर्ति है, हम लोग इस बात का सर्वे करेंगे इस बार गर्मियों में
कि फर्टिलाइजर प्लांट को और यहाँ की टाउनशिप को जितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी चिलवा ताल से उतने पानी की आपूर्ति हम लोग उनको देंगे। अगर सरप्लस पानी होगा तो हम उसका उपयोग सिटी के अंदर भी पेयजल के लिए उपयोग कराएंगे, क्योंकि सिटी के अंदर भी हमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। मैं इस बात को मानता हूं कि क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित क्षेत्र रहा है 1977 से लेकर के 2017 तक। अगर आप इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को देखेंगे तो हर वर्ष 1200 से 1500 मौतें बीआरडी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में होती थी और लगभग इतनी मौतें घरों में होती थी, गांवों में होती थी। 2017 के बाद हम लोगों ने राज्य स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके, दो चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया था। पहले बचाव के उसको लेकर के, और इसमें हम लोगों का मुख्य जो मुद्दा था वह था कि खुले में शौच को रोकना, हर घर को एक एक टॉयलेट उपलब्ध करवाया गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और दूसरा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उन गांवों में, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। आज उसका परिणाम है इंसेफ्लाइटिस, आप देख रहे होंगे इंसेफ्लाइटिस से आज 75% रोग पर नियंत्रण और 95% मौत को रोकने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इंसेफ्लाइटिस का परिणाम है स्वच्छ भारत मिशन और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। जल जीवन मिशन शुद्ध पेयजल के माध्यम से लोगों की आरोग्यता का आधार भी बनेगा, और गोरखपुर सिटी और आसपास के गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए इतना अच्छा स्रोत उपलब्ध होगा, यह एक बड़ा कार्य यहां पर उपलब्ध होगा। लेकिन यह तय होगा इस बात को लेकर के HURL और टाउनशिप के लिए जितने पानी की आवश्यकता होगी, उसके बाद अगर सरप्लस होगा तो हम उसका उपयोग भी करने का प्रयास करेंगे। और इस कार्य को बहुत प्रतिबद्धता के साथ HURL और उनसे जुड़ी भी जितनी कंपनियां हैं सभी लोग यहां पे कर रहे हैं। इंडियन ऑयल है, NTPC है, कोल इंडिया है, ये सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार फिर से उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री सदानंद गौड़ा जी आज गोरखपुर में आए हैं। गोरखपुर में उनका आगमन लगभग 6.5 वर्ष के बाद हो रहा है। 2014 में रेल मंत्री के रूप में उनका गोरखपुर आगमन हुआ था। रेल मंत्री के बाद उनका आज गोरखपुर में फिर से आगमन हुआ है, प्रदेश आगमन पर और गोरखपुर में आगमन पर। गोरखपुर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है और आज वे आए हैं। अपनी सहजता, अपनी सरलता के कारण उन्होंने जो एक नई कार्य संस्कृति को इस विभाग में फिर से जन्म दिया है वह बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए एक बार फिर से माननीय श्री DV सदानंद गौड़ा जी का, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित फर्टिलाइजर के जो सेक्रेटरी हैं श्री राजेश चतुर्वेदी जी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं धर्मपाल जी, और पहले दिन से यानी जिस दिन शिलान्यास होना था, शिलान्यास के पहले मेरे पास जो एक व्यक्ति सबसे पहले आए थे कि गोरखपुर में इस कार्यक्रम को कैसे बढ़ाना है, वो थे गुप्ता जी जो इसके CMD हैं, आज भी इस प्लांट के साथ जुड़े हैं और पूरी तत्परता के साथ हर एक कार्य के लिए उनके फोन आते रहते हैं कि हमें यहाँ पे ये सहयोग की आवश्यकता है, यहाँ पर हम इस कार्यक्रम को ऐसे बढ़ा सकते हैं, अगर राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन हमें इस रूप में कर देंगे, बहुत रुचि लेते हैं। ये सभी अधिकारी आए हैं, मैं उन सभी का यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि गोरखपुर हमारी अपनी सिटी है तो सिटी में काम कोई अच्छा करेगा तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उनका स्वागत करूँ, उनको हृदय से अभिनंदन करूँ। HURL से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है, यहाँ पे अच्छा कार्य किया है। COVID-19 की चुनौती के बावजूद उनकी प्रोग्रेस संतोषजनक है। जो कुछ काम बाकी है ये अच्छा समय है काम करने का, अनुकूल वातावरण है, COVID-19 लगभग समाप्ति की ओर है और इस हम सकारात्मक माहौल में कार्य करके इसको और तीव्रता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मैन पावर की आपूर्ति होनी है या जहां पे ट्रेंड मैन पावर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है उस कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। टॉय और अन्य जो कंपनियां हैं PDIL आदि के द्वारा जो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं इसको और तीव्रता के साथ एक साथ सभी कार्यक्रम चलेंगे
तो मुझे लगता है कि हम समय से पहले इस कार्य को, इस प्लांट को तैयार करके और उस पर आगे के ट्रायल प्रारंभ हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं गोरखपुर में उन्हें आमंत्रित करके इस प्लांट को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करने और किसानों, कृषकों, युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के इस लक्ष्य को प्रदान करने में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। इतना बड़ा निवेश बहुत दिनों के बाद गोरखपुर में, यानी फर्टिलाइजर कारखाना भी लगेगा, 8,000 करोड़ रुपए का निवेश ये है, और साथ साथ एम्स गोरखपुर में लगभग अंतिम चरण में उसका काम भी चल रहा है। तो ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट गोरखपुर के हैं, और भी बड़े बड़े कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से विकास की एक नई ऊंचाइयों को गोरखपुर प्राप्त कर रहा है, उसमें HURL एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय श्री TV सदानंद गौड़ा जी का आज के इस PC में और इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जैसे अभिनंदन करता हूं।